हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे क्रिकेट्स में। आज देखिए रेलवे जेई रिक्रूटमेंट 2018 अप्लाई फॉर 14,033 जूनियर इंजीनियर इंजीनियर एंड अदर पोस्ट थ्रू रीजनल आरआरबी वेबसाइट से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसमें से आपको 14,033 वैकेंसीज निकले हैं बहुत इंपॉर्टेंट जूनियर इंजीनियर के, ठीक है ना। अब मैं पूरा आर्टिकल पढ़ देता हूँ। ये देखिए 26 दिसंबर को ये निकला हुआ है टाइम्स नाउ के एक डिजिटल न्यूज़ में। ये आपको न्यूज़ ऊपर में दिखा रहा होगा कि टाइम्स नाउ news.com में ये आपको साबित कर दिया गया है। देखिए आरआरबी हैज़ इन्वाइटेड टू फिल अप जूनियर इंजीनियर एंड अदर पोस्ट इन इंडियन रेलवेज। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोजिशंस थ्रू द रीजनल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी, ठीक है ना। आपको आरआरबी में जाकर ये चेक कर लेना है जो अप्लाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं जेई रिक्रूटमेंट में जेई जूनियर इंजीनियर के लिए। देखिए उनको मैं सारे के सारे क्रेडिबिलिटी उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी हैज़ इनवाइटेड कैंडिडेट टू फिल अप जूनियर इंजीनियर एंड अदर पोस्ट इन इंडियन रेलवेज। आपको इंडियन रेलवे में ये बहुत अच्छी छूट मिली है। देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोजिशन थ्रू द रीजनल वेबसाइट। आपके रीजनल जो वेबसाइट है आरआरबी के, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जनवरी है। कितनी जनवरी है? 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है ना। ठीक है, 31 जनवरी 2019 है। देखिए रेलवे जॉब यहाँ पे लिखा है 2018 जूनियर इंजीनियर एंड अदर पोस्ट वैकेंसी डिटेल। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का 13,034 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 49 पोस्ट है। आपको पोस्ट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, 49 पोस्ट हो जाएगा। और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट 456 पोस्ट है, और केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए 494 पोस्ट है। देखिए रेलवे जॉब जो है ना 2018 के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, देखिए आपको डिप्लोमा होना होगा और डिग्री इन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन प्रेस्क्राइब्ड अगेंस्ट वेरियस पोस्ट। देखिए जूनियर इंजीनियर का जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको डिप्लोमा नहीं तो डिग्री होनी होगी आपको इंजीनियरिंग के कास्ट में, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जूनियर इंजीनियर के लिए आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे PG DCA DCA या BSc आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। BSc किया है कंप्यूटर साइंस में, और BCA किया है या BTech किया है, और BTech कंप्यूटर साइंस में है, तो DOE ACC बी लेवल का जो कोर्स है वो 3 ईयर्स का, वो भी अगर आपने किया है तो ड्यूरेशन में अगर तो ये अगर रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का है तो आपको ये आप फॉर्म भर सकते हो जूनियर इंजीनियर का। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आई है सभी के लिए। देखिए कंप्यूटर साइंस के भी बच्चे भर सकते हैं इसको, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। रिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। रिपोर्ट जो ये जो सुपरिटेंडेंट का है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम फॉर 45% मार्क, आपको बैचलर होगा। देखिए आपका अगर आपने BSc किया है या कुछ भी किया, बैचलर डिग्री किया है, जो भी डिग्री की है आपने, तो आपको साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना होगा, मस्ट होना होगा, मतलब ये होना ही होगा आपको। 45% आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में होने ही होंगे, तभी आपको ये फॉर्म भर सकते हो। देखिए एज लिमिट लिखा हुआ है 18 से 33 ईयर्स, तो आपको भी बच्चा भर सकता है इसको, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो देखिए ओपनिंग डेट जो है ना यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दी गई। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। और आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके माइंड में कोई भी शंका ना रहे कि मतलब जो न्यूज़ है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो मैं आपको अच्छे से न्यूज़ दे दूंगा। यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 2019 को ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, और क्लोजिंग डेट 31 जनवरी है। देखिए अदर डिटेल क्या चाहिए, आपके कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं इसको, तो ₹500 आपको देना होगा जनरल कैटेगरी OBC के लिए, और 250 जो जो इफ बिलोंगिंग SC ST एक्स सर्विस PWD BD और वुमेन ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनको ₹250 भरने होंगे। और फॉर मोर डिटेल चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, तो इसको मैं फिर से डाउनलोड करके आपके सहानुभूति के लिए दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पे आपको CEN नंबर 03/2018 का ये अच्छे से ये न्यूज़ छपा अच्छा है, आपको न्यूज़ आपको अच्छे से दिखा दूंगा। ये होने से इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, PDF आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि PDF अगर मिल जाए तो आपको अच्छे से आपको पूरी 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 आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगी और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे हर एक जोन का यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है, इलाहाबाद अजमेर, ठीक है ना, इलाहाबाद जितने भी अहमदाबाद इलाहाबाद अजमेर बेंगलोर भोपाल भुवनेश्वर बिलासपुर चंडीगढ़ चेन्नई गोरखपुर गुवाहाटी सबका एक वेबसाइट दे रखा है। तो आपको वेबसाइट की भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पे आप जाके बस खाली इसको आपको
कुछ करना नहीं है, बस वेबसाइट में ये जाना है और आपको ये पता करते रहना है कि इसका जो फॉर्म है वो कब तक निकलेगा। देखिए यहाँ पे साइड में सब चीज़ लिखा हुआ है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ लिखी हुई है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की तरफ से ये न्यूज़ आई है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की तरफ से ये न्यूज़ आई है जो आपको 29 दिसंबर 2018 को ये पब्लिश हुई है, ठीक है ना। तो ये जरूर से आप इसको न्यूज़ है ये, तो आप इसको जरूर से फैलाइए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं। ये अगर जूनियर इंजीनियर आपके लिए, जूनियर इंजीनियर का आप तैयारी कर रहे हो तो इसके ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसको आप छोड़िए मत, ये आपको भरना बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि कम से कम 13,034 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 49 और देखिए डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए 456, मतलब टोटल 14,033 पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं आपके, ठीक है ना। तो जरूर से इसको फॉर्म भरिए और आपको मतलब अव्वल आना है, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, सॉरी मैं शुभ रात्रि बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हो गया, आप जितने भी न्यूज़ हैं आपको मिल गए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।